गांजा की तस्करी करने वाले चार युवक गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद। यूपी के कौशाम्बी में सैनी कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास पुलिस ने बुलेरो में लदा 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सैनी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कमासिन नेशनल हाईवे पर एक बुलेरो गाड़ी को घेराबंदी कर रोक लिया। तलाशी के दौरान बुलेरो से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजा के साथ पुलिस ने ज्ञानेंद्र, अनिरुद्ध, शुभम व प्रीतम नाम के तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एडिशनल SP समर बहादुर के मुताबिक बरामद किए गए गांजा की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना सैनी क्षेत्र में चार अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी सामान्य कीमत करीब 11.5 लाख रुपए है। लॉकडाउन में जो कीमत उसकी बढ़ गई है, और ये छत्तीसगढ़ से लाना बताया जा रहा है। जो और उनके साथ ही उनको प्रकाश में लाकर कार्रवाई की जाए। कहाँ ले जाया जा रहा है, कुछ पता चला था? ये जगह जगह दुकानों पे और अवैध दुकानों पे इसका वितरण करते थे, अपना बेचते थे, उनको भी चेक किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए हैं? 4 लोग।